रिजल्ट का इंतजार। इस बार कौन मारेगा बाजी, लड़कियां या फिर लड़के बनेंगे सिकंदर? यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। दोपहर 2 बजे एक साथ दोनों क्लास के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। रिजल्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in और NIC की वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा में 52 लाख स्टूडेंट्स शामिल थे। सिर्फ 17 दिनों में परीक्षा हुई है। बता दें कि पहला पेपर 22 फरवरी को और लास्ट पेपर 9 मार्च को हुआ था। इतना ही नहीं, 12 वर्किंग डे में 3.1 करोड़ कॉपियां चेक की गई हैं। इस साल 3.24 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं परीक्षा छोड़ी है। बता दें कि एग्जाम पर 8,265 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसमें 3,11,453 कक्ष निरीक्षकों ने ड्यूटी की। यूपी बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स और स्कोर करना जरूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आए तो स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट में फेल माना जाता है। फेल हुए स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी पास नहीं हो पाता है तो उसे अगले साल बोर्ड एग्जाम देना होगा। वहीं पिछले वर्ष के यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट की बात करें तो 12वीं CBSE बोर्ड परीक्षा में कुल 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए थे, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर बताया गया था। लड़कियों का पास प्रतिशत 90.68% तो लड़कों का पास प्रतिशत 84.67% रहा था। उस वर्ष CBSE 10वीं 12वीं के कुल 48,43,710 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी और 10वीं की परीक्षा में 21,86,940 स्टूडेंट्स और 12वीं की परीक्षा में 16,96,770 स्टूडेंट्स पंजीकृत। वहीं चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि साथ ही साथ आप यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 कैसे चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं। होम पेज पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 वाले लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जहां छात्र लॉगिन विवरण दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।